ये वीडियो यूपी के कौशाम्बी का है, जहां यूपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब पार्टी के गुट के कार्यकर्ता जिला महासचिव के ड्राइवर को ही पीटने लगे। सूचना मिलने के बाद कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और जिला महासचिव मौके पर पहुंचे तो दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। हालांकि पदयात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के पहुंचते ही सारा मामला शांत हो गया। हालांकि कांग्रेस के आपसी मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वही इस वायरल वीडियो को लेकर जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी से बात की गई तो उन्होंने बताया, देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अजय राय जी के नेतृत्व में भरवारी से जा रही थी और क्रॉसिंग के पास गाड़ी हमारी फंसी हुई थी, फॉर्चुनर गाड़ियां, और दो लोगों के बीच में गाड़ी लड़ गई आपस में और उस हमारे ड्राइवर को कुछ लोग मारने लगे। तो हमारे जो महासचिव थे और कांग्रेस के लोग बीच बचाव करने गए, उसी में उनको भी चोटें आ गई। जो मारपीट करने वाले कभी क्या था, कांग्रेस में भी शामिल हुए? नहीं, मारपीट करने वाले कांग्रेस में नहीं थे। उसमें एक जिनका नाम जो अभी सुनने में आ रहा है, नसीम जी का नाम आ रहा है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हैं और झूसी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मारपीट के बाद दोनों पक्ष कोकराज थाना पहुंचे, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी गई। कोकराज पुलिस तहरीर लेकर घटना की छानबीन में जुट गई। थाना कोकराज क्षेत्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही थी, जिसमें भरवारी कस्बे में उनके दो कार्यकर्ता मुख्य अतिथि के साथ चलने को लेकर आपस में भिड़ गए। वहां उन्होंने वाद विवाद और मारपीट की है, जिस पर पुलिस मौके पर गई और तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार करके थाने लाई है। जो विधिक कार्रवाई वो प्रचलित है, जैसी वो आपस की तहरीर देंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। खैर, कौशाम्बी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर आपस में कार्यकर्ताओं के लाठी डंडे और लात घूंसों से पीटने का वीडियो वायरल है। हालांकि इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन इसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।